हेलो एंड वेलकम टू प्रॉस्पेक्ट लीगल यूट्यूब चैनल। प्रॉस्पेक्ट लीगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डिजिटल सिग्नेचर को एमपी ऑनलाइन में रन किया जाता है। आप जब भी करने जाते होंगे तो आपको एरर आता होगा, वो सभी एरर मोस्टली जावा के कारण ही आता है। अब इसके लिए सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के लिए यहाँ पे कंट्रोल लिखेंगे, अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाएंगे। अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाने के बाद सबसे पहले दो काम करना है। एक, अभी जो इंस्टॉल्ड है जावा, हमें वो जावा अनइंस्टॉल करना है। इसमें दो सेटिंग आपको करना होता है। एक तो जावा को अनइंस्टॉल करना है, आपको जो एमपी ऑनलाइन के लिए डेडिकेटेड जावा वर्जन है वो आपको इंस्टॉल करना होता है। दूसरा, इसमें मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल करना होता है ओल्ड वर्जन, क्योंकि मोजिला 51 के बाद जावा एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। इसीलिए अगर आपको मोजिला फायरफॉक्स में जावा को रन करना है तो आपको 52 से 51 से नीचे के वर्जन यूज़ करना चाहिए। अब आपको जैसे ही ये ख़त्म होता है अनइंस्टॉल, फिर हम मोजिला फायरफॉक्स करेंगे। मेंटेनेंस सर्विस वाला अनइंस्टॉल कर देंगे, ये अनइंस्टॉल हो गया। अब यहाँ से आपका काम इसका ख़त्म हो गया, इसको बंद कर दें। अब आपको दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, एक तो मोजिला फायरफॉक्स 51 वर्जन, दूसरा जावा जो डेडिकेटेड है एमपी ऑनलाइन के लिए। वो इसके लिए हम सबसे पहले वेबसाइट ओपन करेंगे। सबसे पहले जावा सर्च करेंगे तो गूगल में टाइप करेंगे DOWNLOAD डाउनलोड JAVA फॉर MP ऑनलाइन। ये आपको सबसे पहले दिखेगा, जावा डाउनलोड जावा फॉर MP ऑनलाइन पोर्टल, इसको क्लिक करेंगे। आप वेबसाइट पर जाएंगे प्रॉस्पेक्ट डिजिटल के, और वहाँ पे आपको जावा डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये क्लिक करते ही ये जावा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जावा 7 अपडेट 2 हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपको मोजिला फायरफॉक्स चाहिए तो आप ओपन करेंगे PROSPECT प्रॉस्पेक्ट LEGAL.IN prospectlegal.IN टाइप करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो प्रॉस्पेक्ट लीगल का साइट ओपन होगा। आप यहां डाउनलोड्स में जाएंगे, डाउनलोड्स के बाद मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड, और उसके बाद 51 वर्जन वाला या 50 वाला या 48, 49 कोई भी आपका हो वो इंस्टॉल आप कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही ये इंस्टॉल होना मतलब डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये डाउनलोड होने के बाद आपका दोनों सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लिया है तो अब आपको, और तीसरा आपको ये भी देखना है कि आपके पास जो टोकन है डिजिटल सिग्नेचर है उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं, आप कौन सी कंपनी का टोकन यूज़ कर रहे हैं। देखिए, टोकन और डिजिटल सिग्नेचर दोनों ही डिफरेंट है। आप ई पास का टोकन यूज़ कर रहे हैं कि वॉच डेटा या एम टोकन या XYZ किसी और कंपनी का टोकन, तो मोस्टली लोग वॉच डेटा या ई पास टोकन यूज़ करते हैं। अब हम जावा इंस्टॉल करेंगे। जावा इंस्टॉल करने के लिए जावा जो हमने डाउनलोड किया है उस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, और वो इंस्टॉल होना शुरू होगा। तो इस दौरान आप ये ज़रूर देख लें कि आपके पास जो डिजिटल सिग्नेचर का सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अगर इंस्टॉल नहीं है तो उसको आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे, आप माय पीसी, दिस पीसी या माय कंप्यूटर पे जाएंगे, यहाँ पे एक नया ड्राइव आपको दिखेगा।
जैसे मुझे ई पास 2003 का दिख रहा है, आपको हो सकता है कुछ वॉच डेटा का दिखे, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है उसका। इसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ये इंस्टॉल होते ही आपका टोकन रन करना शुरू होगा, जैसे मेरे यहाँ पे रन कर रहा है। ये ई पास टोकन का नया सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल लेटेस्ट, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है हर एक टोकन के लिए। अगर आपको इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप क्लिक करें, लिखेंगे HYPERTKI ePass 2003 टोकन डाउनलोड। यहाँ पे जाते ही आपका प्रॉस्पेक्ट लीगल का वेबसाइट आएगा और इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं डाउनलोड करके। मेरा जी इंस्टॉल हो रहा है अभी। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस यह है कि पीसी साफ सुथरा होना चाहिए आपका, ज़्यादा जंक ना हो उसमें। कुछ लोग ज़्यादा इंस्टॉल कर लेते हैं। ये जैसे ही इंस्टॉल होता है जावा, इसके बाद और भी दो चार सॉफ्टवेयर है जो कि इंस्टॉल होना होगा जावा में। जावा थोड़ा डिफरेंट है अदर जावा की तुलना में। एमपी ऑनलाइन का कोई भी सब पोर्टल हो, जैसे कि आप उसके लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल आपने लिया हो, कियोस्क, या आपको कोई और फॉर्म भरना हो, तो सभी में सेम सेटिंग काम आता है, आपको अलग से कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। अब इसके बाद हम मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल करेंगे 51 वर्जन का, और उसके बाद हम रन करेंगे एमपी ऑनलाइन को। और उसके बीच में आपको एक सेटिंग है जो कि पहले करना है। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स को इंस्टॉल करने से पहले आपको अपना नेट डिस्कनेक्ट करना होगा, क्योंकि मोजिला फायरफॉक्स अभी लेटेस्ट वर्जन कुछ और चल रहा है। हम पुराना वर्जन जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, और अगर इंटरनेट आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड रहा, तो आपका मोजिला फायरफॉक्स फिर से अपडेट हो जाएगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जैसे ही जावा इंस्टॉल होता है, आपको मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल करने से पहले इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करना है अपने पीसी से। ये आपका जावा इंस्टॉल हो गया। अब हम जाएंगे मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल करने के लिए। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है जावा का ये वर्जन इंस्टॉल करना। इस दौरान हम थोड़ा, ये वीडियो लंबा होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके आप लोगों के लिए। जो परेशानियाँ आती है कंप्यूटर और लीगल टर्म्स में और टेक्नोलॉजी में, वो सभी दूर किया जा सके। जो डिजिटल सिग्नेचर में मोस्टली प्रॉब्लम आता है, उस हर तरीके का हम वीडियो अपलोड करते हैं इस चैनल के थ्रू। ये थोड़ा लेंथी ज्यादा है। अदर जावा इंस्टॉल होने में टाइम नहीं लगता, बट इसमें जावा के साथ सारे और सॉफ्टवेयर जावा का वो भी इंस्टॉल होता है। अभी देखिए मेरा इंटरनेट चल रहा है इसमें। जैसे ये जावा इंस्टॉलेशन खत्म होगा और मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल करने से पहले, अब मैं इंटरनेट को यहाँ से मैंने डिसकनेक्ट किया है, नॉट कनेक्टेड है।
अब आप फायरफॉक्स को इंस्टॉल करेंगे, फायरफॉक्स को रन करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पीडब्ल्यूडी के फाइल को साइन करने में साइन कैसे किया जाता है। अब हम यहां से लॉन्च फायरफॉक्स करेंगे, इंटरनेट चालू नहीं करेंगे इस वक्त तक। इंटरनेट चालू करने से पहले हम फायरफॉक्स को रन करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे तीन लाइन दिख रहा है, फिर ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद हम यहाँ अपडेट में जाएंगे। अपडेट में जाने के बाद आपको नेवर चेक पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल अपडेट की जगह यहाँ पे नेवर, यहाँ बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली अपडेट सर्च इंजन ये रहने देना है। मेनली यहाँ पे नेवर चेक चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करना है। यूज बैकग्राउंड सर्विस टू इंस्टॉल अपडेट, इस पे भी क्लिक करना है और ये आपका चालू हो गया। यहाँ से आप रिफ्रेश कर देंगे फायरफॉक्स को या फिर आप बंद करके भी चालू कर सकते हैं फायरफॉक्स को। अब हम इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे। इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे उस दौरान आपका ये चालू हो रहा होगा मोजिला फायरफॉक्स। यहाँ पे रिस्टोर ओनली वंस आई वांट, इसमें ये सब कुछ नहीं करना है आपको। डायरेक्ट आप देखिए मेरा इंटरनेट फिर से कनेक्ट हो चुका है। अब आपको डायरेक्ट ओपन करना है आपका एमपी ऑनलाइन का कोई भी पोर्टल हो सकता है, वो एमपी ऑनलाइन के अंदर होना चाहिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। ये प्रॉब्लम कभी कभी आती है। अब यहां पे हम अपना आईडी डालेंगे। आप अगर कियोस्क चालू करना चाह रहे हैं तो आप इस टाइम पे आप अपना कियोस्क की आईडी पासवर्ड से कियोस्क को ओपन कीजिए। यहाँ पे देखिए ये फाइल ऑलरेडी हमारा अपलोड करके सेव किया हुआ है। यहाँ पे डिजिटल साइन पैन का यूज, ये कभी कभी आता है, आपको इसको ठीक करना होता है बार बार थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ये अलाउ आएगा, अलाउ करना है, अलाउ एंड रिमेम्बर करना है। ये आराम से चालू होगा। अभी यहाँ पे अगर कोई भी बॉक्स आए तो सभी में अलाउ करना है, ब्लॉक किसी में नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इस दौरान आपका हो सकता है ये स्लो हो, कंप्यूटर के हिसाब से डिपेंड करता है, जावा स्लो हो सकता है। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपको बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है और मोजिला स्लो चल रहा है तो ऐसे टाइम पे आप बार बार इसको ओपन और क्लोज करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर को, तो ये क्या है रन होने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। मैंने ये कई बार इसको महसूस किया है, जैसे मैंने किया देखिए बंद था चालू हो गया। अब यहाँ यूएसबी डोंगल के थ्रू जाएंगे, साइन थ्रू यूएसबी डोंगल। पहली बार अगर आप कोई भी यूएसबी डोंगल यूज करेंगे तो ऐसा ही एक बॉक्स आएगा। अब ऐसे में आपको, क्योंकि मैं ई पास टोकन यूज कर रहा हूँ तो इसमें ई पास टोकन नहीं है, तो मैं जाऊँगा अदर में। अदर में जाने के बाद ब्राउज पर क्लिक करूँगा।
ब्राउज पे क्लिक करने के बाद मैं अब ई पास टोकन जहाँ पे है पूरे फोल्डरों को दूर करते हुए, देखिए ये बार बार चालू बंद करने से ये इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, अटक जाता है और वहीं पे खड़ा रहता है। तो आपको ई पास तक जाना है, इसमें ई में ये टी है, ये ई है, ये है। अब इसमें देखिए ई पास के दो फाइल्स दिख रहे हैं, ई पास 2003 CSP11B2.dll और अंडरस्कोर में एक है। तो हमें सबसे पहला विदाउट अंडरस्कोर वाला जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे आपका आ गया। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, अब फिर ओके पे क्लिक नहीं हो रहा है तो हम फिर से जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे। ये टेक्निक है, अब अपना आप पासवर्ड पुट करेंगे, फिर पासवर्ड देखिए फिर पुट नहीं हो रहा है तो हम फिर से इसको ओपन करेंगे और फिर से इसको क्लोज करेंगे और यहां से ये साइन हो रहा है। देखिए दो बार ये बॉक्स आता है, ये हमारा फाइल डिजिटली साइन हो गया है। तो आपको पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको जावा और मोजिला जो आपके कंप्यूटर में है या लैपटॉप में है उसको अनइंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको जावा और फायरफॉक्स दोनों को डाउनलोड करना है। फिर पहले जावा को इंस्टॉल कर लीजिएगा या मोजिला को इंस्टॉल कर लीजिए। मोजिला को इंस्टॉल करते समय आपका नेट डिसकनेक्टेड होना चाहिए और जो सेटिंग है मोजिला का वो आपको पूरा करना होता है। उसके बाद आप जावा इंस्टॉल कीजिए जो डेडिकेटेड है एमपी ऑनलाइन के लिए। उसके बाद आप फिर मोजिला फायरफॉक्स को रन कीजिए और इस दौरान अगर जावा के संबंध में कोई भी अगर बॉक्स आता है तो आपको यस ओके या अप्रूव करना है, तभी आपका जावा रन करेगा और आपका डिजिटल सिग्नेचर प्रॉपरली रन करेगा एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब जरूर। वीडियो बनाने में आपको पता ही है मेहनत लगता है और आप लोगों के सहयोग से ही हम आगे बढ़